हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, एनिमल ब्रीडिंग। अब सबसे पहले ब्रीड क्या है? ब्रीड का मतलब है नस्ल, जिसमें भी मोस्ट सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, मोस्ट सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, लाइक देखने में एक जैसे हो, अंदर के फीचर्स एक जैसे हो, ठीक है, जनरल अपेयरेंस फीचर्स एक जैसे, उनको कह देंगे सेम ब्रीड के हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है ब्रीड्स? ब्रीड्स के अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, एनिमल ब्रीडिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के अंदर भी करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे आपको, यस, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है? ओके, सबसे पहले समझते हैं इन ब्रीडिंग को, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इन ब्रीडिंग। यहाँ पे कुछ मेरे पास बुल्स हैं और कुछ काउस हैं, अच्छी वराइटीज़ वाले बुल्स जिनके अंदर मोस्ट इफेक्टिव वराइटीज़ हो, के जैसे कि उसके अंदर डिजीज स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, डिजीज को डिफेंस करने वाले करेक्टर हो, यानी कि हेल्दी हो और जो ज़्यादा स्ट्रांग हो। काउज में क्या करेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे? जो सबसे ज़्यादा गुड क्वालिटी और क्वान्टिटी का मिल्क प्रोड्यूस करती हो। तो मोस्ट सिमिलर के कुछ अच्छे करेक्टर्स वाले मैंने बुल्स और काउ का मैटिंग करा दिया, और इन बुल्स और काउ का मैटिंग कराने पे मुझे कुछ अच्छे वाले करेक्टरिस्टिक्स के कुछ बुल्स और काउ मिल गए, इनके बच्चे जो हैं। ठीक है, अब इसमें से भी मैं और मोस्ट इफेक्टिव करेक्टर वाले छाट लूँगी। इनमें से, इन पांचों में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनके करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। उन बुल्स और काउस को मैंने ले लिया। अब ये क्या थे? एक ही फैमिलीज के थे, एक ही फैमिली के थे। इन्हीं फैमिली में से मैंने कुछ अच्छे करेक्टर्स वालों को लेके फर्दर मैटिंग करा दिया। हालांकि ये गलत है, लेकिन इंटर ब्रीडिंग में यही करवाया जाता है। इंटर ब्रीडिंग में जिनके एंसेस्टर सेम हैं, उनको, उनके ऑफस्प्रिंग को लेके मैटिंग करा दी जाती है। अब यहाँ पे जो बनेंगे, ठीक है, उनमें से भी मैं अच्छे करेक्टर्स वाले छाट लूँगी और उनकी मैटिंग करा दूँगी। ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा, हमें अच्छे अच्छे करेक्टर्स वाले मिलते रहेंगे, क्योंकि बेकार करेक्टर वालों को हमने अलग कर दिया है। ठीक है, बेकार करेक्टर्स क्यों आ गए यहाँ पे? इस की एक प्रॉब्लम है, अगर जितने क्लोज रिलेशन में मैटिंग कॉज की जाती है, मैरिज कॉज की जाती है, वहाँ पे रिसेसिव करेक्टर्स बाहर आ जाते हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एंशियंट जर्मन में, बहुत पुराने समय में जर्मन में जब क्लोज रिलेशंस में मैरिज की जाती थी, तब बहुत सारे डिसऑर्डर्स बाहर आ गए थे, बहुत सारी डिजीज कॉज हो गई थी लोगों को। तो इससे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके निकाला कि जितनी दूर और जितने अलग एंसेस्टर्स होंगे, तब प्रोड्यूस मैरिजेस जो होंगे वो सक्सेसफुल मैरिजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हालांकि हमने जिनको डिसऑर्डर हुआ था उनको अलग अलग हटा दिया है और अच्छे अच्छे करेक्टर्स को लेके मैटिंग कराई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। अगर यही सीक्वेंस चलता रहे 4 to 6 जनरेशन तक, 1 जनरेशन हो गई, ये 2 जनरेशन हो गई, 3 हो गई, और 4 or 5, 6 जनरेशन तक अगर सेम फैमिलियर मैटिंग होती रही, तब क्या होता है, एक डिसऑर्डर्स कॉज हो जाता है, जिसको कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इस वन इज, यहाँ पे इसकी क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है कि यहाँ फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे करके ये फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। सपोज दैट ये जो बनी हुई काउ होंगी लास्ट में, 4 to 6 जनरेशन में जो काउ और बफेलो आ गई हैं, अच्छी वैरायटी की तो होगी, इनके पास मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा क्वालिटी होगी, स्ट्रांग होंगी, के डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी होगी, बट ये फर्टाइल नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये फर्टाइल नहीं रहेगी, यानी फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ गई। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया? ओवरकम करने के लिए हम आते हैं आउट ब्रीडिंग पे। इसको ओवरकम करने के लिए हम आउट ब्रीडिंग का यूज करते हैं। किसको? ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। ठीक है, अब ये इनब्रीडिंग जो हो रही थी, ये है क्या? इनब्रीडिंग जो है वो आपको पता है कि क्लोज रिलेशन में सेम एंसेस्टर है इनके, इनके एंसेस्टर कैसे हैं, जिसमें मैटिंग कराई जा रही है, दिस वन इज अ सेम एंसेस्टर। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? यहाँ पे प्योर लाइन बन जाती है। प्योर लाइन आपने मेंडल में पढ़ा होगा, प्योर लाइन कब बनती है? जब सेम कैटेगरी के पेरेंट्स होते हैं तब।
प्योर लाइन बनेगी और होमोजाइगस सुपीरियर कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्रॉस ब्रीडिंग किया, क्या किया? अब यहां पे एक फैमिलीज है ना, काऊ और बुल की, काऊ और बुल की यहां पर फैमिली है। इनमें से मैंने कुछ अच्छे कैरेक्टर्स वाले को उठा लिया, ये करवा दी मैटिंग, है ना। फिर इनमें से कुछ अच्छे कैरेक्टर्स वालों को उठा लिया, इनकी मैटिंग करा दी। ठीक है, ब्रीड सेम है, ब्रीड सेम है, बट इनके एंसेस्टर अलग अलग है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मैटिंग करा दी। ठीक है, इसको उठा के यहाँ मैटिंग करा दी। अब सपोज दैट इसकी और इसकी मैटिंग करा दी मैंने। ठीक है, अब इनसे जो बनने वाले, इनसे बनने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें अच्छे करेक्टर्स भी आए हैं, प्लस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक फैमिली के नहीं है, ब्रीड सेम है बट एक फैमिली के नहीं है, यानी एंसेस्टर इनके सेम नहीं है। याद रखना, आउटब्रीडिंग क्या है, आउटक्रॉसिंग क्या है, दैट मीन्स आउटक्रॉसिंग क्या है, जब दो डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर के बट ब्रीड इज सेम। याद रखना, ब्रीड इज सेम, सेम ब्रीड है, सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर, सेम ब्रीड है बट कॉमन एंसेस्टर नहीं है। क्लियर? तो उसको बोलते हैं आउटक्रॉसिंग। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में तो हमने हद पार कर दी, यहाँ पे ब्रीड ही दूसरी ले ली, ब्रीड ही डिफरेंट ले ली। ब्रीड समझते हो ना, जैसे कि काऊ है, स्पेशीज तो सेम है, याद रखना काऊ, दैट मीन्स एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं, पमेलियन डॉग, ठीक है, और एक दूसरे कैटेगरी का डॉग, तो उसकी क्या है, मैटिंग करा रहे हैं, स्पेशीज सेम है बट ब्रीड डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बीकानेरी ईव्स। ईव्स क्या है? शीप का नाम है, बीकानेरी ईव्स। ये ऐसा पंजाब में किया गया था, ठीक है, ये न्यू ब्रीडिंग जो बनाई गई है वो इंडिया में पंजाब में बनाई गई है। तो बीकानेरी ईव्स को लेके एंड मैरिनो रैम्स, बीकानेरी ईव्स, मैरिनो रैम्स, इन दो कैटेगरी की शीप को लेके एक शीप तैयार की गई जिसका नाम है हिसारडेल। हिसारडेल, हिसार एक जगह है, उससे याद करना है आपको, हरियाणा में एक जगह हिसार, उससे याद करना है हिसारडेल, हिसारडेल, ये शीप तैयार की गई। दैट मीन्स, तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया, अब हमने ब्रीड ही दूसरी ले ली, ब्रीड को क्रॉस करना, यानी ब्रीड डिफरेंट डिफरेंट है, ब्रीड डिफरेंट डिफरेंट है, के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड है, यहाँ पे आउटक्रॉसिंग में ब्रीड सेम ही रहेगी बट एंसेस्टर अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे यस एंसेस्टर भी सेम है, ब्रीड भी सेम है, इसीलिए इन डिप्रेशन आया था, के दिस वन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आया था। अब यहाँ पे देखोगे लास्ट वाला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे स्पेशीज अलग है, ठीक है, यहाँ पे ब्रीड भी अलग है, स्पेशीज भी अलग है। लाइक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है म्यूल, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर मतलब होता है दो अलग अलग, इंटर स्पेशीज, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग, दो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज में, एग्जाम्पल है म्यूल, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज, डिफरेंट स्पेशीज, ठीक है, म्यूल कैसे बनाया जाता है, बट इंटर रिलेटेड हो थोड़े से, जैसे कि डोंकी एंड हॉर्स, जैसे कि लॉयन एंड टाइगर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, मेल डोंकी ले लिया जाता है एंड फीमेल प्लस, ये फीमेल का साइन है, फीमेल हॉर्स, ठीक है। और भी है इसके कुछ एग्जांपल्स, वो देखते हैं, हिनी, हिनी टाइगॉन एंड लाइगर, ठीक है, इन्हीं के नाम से आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जो आपका फीमेल्स होगा, जो फीमेल होगा वो इन्हीं के नाम पे आ जाएगा, दैट मीन्स यस, दैट मीन्स मेल जो होगा, मेल यहाँ पे क्या होगा, मेल हॉर्स, मेल, मेल हॉर्स, ठीक है, प्लस फीमेल, देखो एच एच फॉर हॉर्स, हॉर्स, ठीक है, प्लस फीमेल्स डोंकी, हिनी बन जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेल टाइगर और क्या होना चाहिए, फीमेल लॉइन, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल लॉइन प्लस फीमेल टाइगर। तो ऐसे ये बनाए हुए ब्रीड से क्या बेनिफिट्स होता है, ऐसे बनाए हुए ब्रीड से बहुत ज़्यादा, दैट्स वन इज अ म्यूल, जिसको खर्चर कहा जाता है। इसके अंदर कैपेबिलिटी है लगेज को कैरी करने के लिए भी और रन करने के लिए भी, ठीक है।
अब आपको पता है डॉगी बहुत सारा लगेज कैरी कर सकता है बट दौड़ नहीं सकता, ठीक है, और जो हॉर्स है वो दौड़ सकता है बट बहुत ज़्यादा लगेज कैरी नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं फॉर द पर्पसली। बट ये स्ट्राइल नेचर के होते हैं, याद रखना है, स्ट्राइल का मतलब होता है ये आगे अपनी जनरेशन नहीं करवा सकते, इसका ड्रॉबैक है बेटा ये, ऐसा नहीं कि म्यूल म्यूल मैटिंग करके एक नया म्यूल बन जाए, ये सिर्फ हम इंटेंशनली ही प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय द हाइब्रिड फॉर्म से, ओके। तो इंटेंशनली प्रोड्यूस जो हम म्यूल बना रहे हैं ये आगे अपनी जनरेशन नहीं चला सकता, इनफर्टाइल हो गया, स्ट्राइल का मतलब है ये इनफर्टाइल हो गया, ठीक है, इसका भी एक ड्रॉबैक है। तो इस तरीके से ये आपका एनिमल ब्रीडिंग क्यों करवाए जाते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक, अच्छी ब्रीड्स प्रोड्यूस हो, प्लस उससे जो प्रोडक्ट्स मिल रहा है एनिमल से वो अच्छी क्वालिटी वाला हो, प्लस उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, लाइक इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द एनिमल्स, एनिमल की यील्ड्स बढ़ाने के लिए, इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो उनसे प्रोडक्ट्स मिल रहा है उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाने के लिए, ओके। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।